आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम आलू एकदम लंबे लंबे साइज़ में, नेनुआ 500 ग्राम दोनों ही बराबर मात्रा में, और 250 ग्राम प्याज, प्याज को भी हमने लंबा लंबा काटा है, और आधा कप इसमें हम काला चना डालने वाले हैं। चना को हम पूरी रात भिंगो कर दिए थे और अब ये तैयार है। तो आइए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं, आप अगर फ्राई ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को डाल देते हैं और आलू को फ्राई करेंगे। आलू को हम फ्राई करके बनाने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप लंबे लंबे शेप में हमने इसको काटा हुआ है, और एकदम अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक इसका हल्का सा क्रिस्पी बनाएंगे आलू को। इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आइए अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में मैंने लिया हुआ है खाने वाली चम्मच से, सारे मसालों की क्वांटिटी खाने वाले चम्मच से होती है हमारी, आधे चम्मच मैंने जीरा लिया है, एक चम्मच धनिया लिया है। इसके साथ ही बहुत स्वादिष्ट लगती है ये इलायची, अगर सब्जी में डाल दीजिए तो, ये खाने वाली सब्जी वाली इलायची है, एक इलायची। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 लौंग मैंने लिया हुआ है, और आप 5 से 6 लौंग ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये सारे मसाले। एक चम्मच गोल मिर्च ब्लैक पेपर, और इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक को भी पीसेंगे। 1 इंच छोटा सा टुकड़ा अदरक लिया है मैंने, और आधी पोटली लहसुन है। लहसुन को छील करके उसके बाद इन सारे मसालों को एक साथ मिक्स करके हम जार में पीस लेंगे, और इसके बाद सब्जी में हम डालेंगे। तो सब्जी आज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है, बहुत अलग तरीके से आज नेनुआ की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आलू फ्राई हो चुकी है, ये देखिए आलू का कलर बहुत अच्छा सा आया है। लेकिन आप डेली घर में इस तरह की सब्ज़ी बना के मत खाइएगा, क्योंकि बहुत लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो आलू फ्राई बहुत नुकसान करता है। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई आ जाता है या फिर आपको स्पेशल खाना खाने का मन करता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ज़रा सा ऑयल और ऐड कर दिए हम, आधी चम्मच पंचफोरन, फ़ोरन खाने में ज़रूर से डाला करिए, और खूब सारा प्याज, ये देखिए 250 ग्राम मैंने प्याज लिया हुआ था, क्योंकि प्याज की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है हमेशा आपसे कहते हैं। और लंबे लंबे शेप में हमने प्याज को काटा हुआ है, जिस तरीके से आलू को कट किया गया है, और ये मसाले हमारे पीस करके तैयार हैं। तो अब इसमें हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। और हमने मसाले में मिर्चा तो पीसा नहीं है, तो इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला दिए हैं, ताकि दोनों को मिला करके हमने साथ में ही रख दिया है। 1 चम्मच हमने डाल दिया ताकि तीखा भी लगे और कलर भी बहुत बढ़िया से हमारी सब्ज़ी में आए। अच्छे से अब इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए अब ये मिक्स हो गया, तैयार हो गई है, अब ये सब्ज़ी में जाएगा। और प्याज बहुत ज़्यादा हमने नहीं भुना है, हल्का सा भुना है, और अब ये मसाले गए। अब मसाले के साथ में हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अब मसाले वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी और डाल करके हम इसमें डाल देंगे, पहले इसको मिला लेते हैं। हल्का सा अब इसमें हम पानी डाल देते हैं मसाले वाली कटोरी से, और अब नमक भी डाल देते हैं। सारी चीज़ें एक बार में डाल के उसके बाद हम प्याज और मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। प्याज को मसाले के साथ में बहुत ही अच्छे से पकाना है, जब तक मसाले में अच्छी अच्छी खुशबू ना आने लगे, और जब आपको दिखे कि साइड से ऑयल जो है पूरी तरीके से निकल चुका है, तब जा कर के आपके मसाले पक करके तैयार हो जाते हैं। और जब ऑयल निकल लगे तो उसके बाद इस चीज़ को मत भूनिएगा, वरना उसके बाद टेस्ट ख़राब होने लगता है। ये देखिए इसको हल्का हल्का प्रेस करके एकदम इसको ग्रेवी जो है एकदम चटपटा सा तैयार हो रही है। हल्का हल्का इसको मस लेंगे ताकि पूरी तरीके से टूट जाए। तो अब तैयार है मसाले, अब इसमें हम चना डाल देते हैं। ये देखिए चना, चना को धो करके अच्छे से हमने साफ कर लिया है। चना के साथ थोड़ी देर तक, आधे मिनट तक इसको हम भून लेते हैं। अब डाल देते हैं हम, ये हमारा तैयार हो चुका है, क्योंकि चना भी हमने अच्छे से भून लिया मसाले और प्याज के साथ में। तो अब इसके बाद हम नेनुआ को भी ऐड कर ही लेते हैं।
क्योंकि नेनुआ को भी हमें इसके साथ अभी पकानी है। बहुत ही बढ़िया सा सब्जी में कलर और खुशबू दोनों ही बहुत आ रही है। और ये मसाले जो हैं वो आयुर्वेदिक मसाले हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये मसाले जो हम खाते हैं। सारे निनुआ को हमने डाल दिया और अब इसको हम धीरे धीरे पकड़ के इसको चला लेते हैं। और एक चीज़ और, क्योंकि हम आज बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं इसको अलग तरीके से, तो क्या करेंगे हम, पहले निनुआ जो है निनुआ को बहुत हाई फ्लेम करके और इसको एकदम, निनुआ तो वैसे भी पानी निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाई फ्लेम करके इसको बहुत देर तक पकाएंगे, मतलब आधे से 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। और जब ये बिल्कुल लटपटा सा हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। एक एक स्टेप को देखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनाने के लिए। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके की स्वादिष्ट और एकदम हेल्दी रेसिपी आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे हमेशा। और पसंद आए तो उसको लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक करते हैं तो। और ऐसे जो भी आपको चीज़ें खाने का मन करे वो आप कमेंट करके बता दिया करिए, वो रेसिपी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और इस रेसिपी में कोई भी कन्फ्यूज़न है मसालों से रिलेटेड, अगर आप कम क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे हैं तो उसके लिए कम मसाले चाहिए, तो अगर आप जिस भी क्वांटिटी में बना रहे हैं वो क्वांटिटी हमारे साथ शेयर करिए, उस हिसाब से हम आपको मसाले बता देंगे। और वैसे ही मसाले आप डालिएगा तो सब्ज़ी उस हिसाब से बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। हर सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ही मसाले की क्वांटिटी होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसको चला रहे हैं, आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है और पानी रिलीज़ हो रहा है और सब्ज़ी एकदम रस भरी सी लग रही है। और एकदम जब लटपटा सा हो जाएगा ना एकदम, तो एकदम उसको हम फिर डालेंगे आलू, लेकिन अभी हम इसको और टाइम देंगे पकने में। और ये सारे प्रोसेस हम हाई फ्लेम करके अभी कर रहे हैं, जब से निनुआ हम डाले हैं फ्लेम बिल्कुल हाई है, क्योंकि निनुआ पानी छोड़ता है, अगर कम कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनने में, बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगेगा इसमें से। हल्का हल्का मसलते हुए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया, जो कि कैमरे में दिख नहीं रहा है धुआं की वजह से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए एकदम आपको देखते ही नूडल की याद आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, एकदम लटपटा सा। तो चलिए अब इससे ज़्यादा हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम फ्राई आलू ऐड कर देते हैं, क्योंकि आलू सिर्फ फ्राई है, पका तो है नहीं, हमें पकानी भी है इसको, तो इसलिए हम इसको डाल देते हैं। अच्छे से पहले इसको हम मिला लें। और बहुत कमेंट आता है कि आपकी कढ़ाई जो है बहुत जल जाती है, लेकिन ये जो कढ़ाई है इसमें सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और अगर सब्ज़ी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो कढ़ाई का कलर तो ऐसा हो ही जाता है। तो अब इसको हम अच्छे से आलू को मिक्स कर चुके हैं, अब हम पानी डालेंगे। पानी इसमें हम 2 ग्लास ऐड करेंगे, क्योंकि हमें आलू को भी पकानी है और सब्ज़ी थोड़ी रसेदार भी बनाएंगे हम, तो बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, लेकिन 2 ग्लास डालेंगे और 2 ग्लास को हल्का सा पकाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी रसेदारी छोड़ेंगे। अब इसमें हम 2 टमाटर भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद अभी हम मिक्स नहीं करेंगे इसको, अब ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में हम इसको खोलेंगे और उसके बाद खुले आँच में इसको पकाएंगे। तैयार है हमारी सब्जी बन करके और हम थोड़ा रसेदारी इसको छोड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुखाए नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत हद तक इसको हमने लटपटा किया हुआ है। और ये फाइनल हमारा लुक है सब्जी का, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसको बनाइए। पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।